हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम यही वीडियो रे मैथमेटिक्स रो किसी क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करिबा। चलो तो स्टार्ट करिबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर। कौन हम ट्राई करूँ परसेंटेज रो क्वेश्चन क्लियर। प्रथम कथा हूँ 25% अर्थ कौन, 25% अर्थ हूँ 25 इज अ परसेंटेज अर्थ कौन 1/100। ओके 25 × 1 = 25 × 100 इन्स आम कहीपर 25% वैल्यू हूँ 1/4 इन फ्राक्शन। 25% फ्राक्शन वैल्यू हूँ 1/4 क्लियर। देन ये 1/4 रे एटा हूँ आमर हर देन लब, जहाँ भी हर रे आसीबो माने डिनोमिनेटर जहाँ आसीबो सेटा हूँ आमर ओरिजिनल वैल्यू क्लियर। एंड जहाँ भी आमर लब रे आसीबो सेटा हबो आमर इंक्रीज्ड वैल्यू। ओके जहाँ भी हर रे आसीबो सेटा हबो ओरिजिनल वैल्यू, जहाँ भी लब रे आसीबो से वैल्यूटी हबो आमर डिक्रीज्ड वैल्यू जेतेले कहला, बिकज एमिती करिया द्वारा प्रश्नटी बहुत इजी हो जिवो। 1/4 आसीगला आमर यही 1/4 रे 25% इनक्रीज होती मीनस प्रथम 4 थिला 1 इनक्रीज हो कौन होती वैल्यूटी 5 हो। ओके देन पुणी थे 1/4 25% माने कौन 1/4 25% डिक्रीज होती मीनस कौन प्रथम 4 थिला देन डिक्रीज हो वैल्यूटी हो जाए आमर 3। ओके देन फाइनल वैल्यू कौन करवा मल्टीप्लाई करवा 16 देन एटा हूँ आमर कैसे 15। इट मीनस फाइनाली वैल्यूटी आमर 16 थिला 15 होती ताल के कमी 1 कमी 1 कमी केते रु कमी 16 रु कमी 1/16 आसला। देन एटा पचारिना परसेंटेज रे केते हबो। ओके कौन करिबा सिंपली मल्टीप्लाई 100 कर दबा 16 × 6 = 96 मीनस 6 × 1/4 शतकड़ा कौन हो डिक्रीज हो रहा करेक्ट आंसर। ओके कौन हम यार आंसर फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज दैट इज डिक्रीज हम आम करेक्ट आंसर क्लियर बुझीगला। ये जदि प्रश्न आसो आम करते भी परसेंटेज सब बेले ट्राए करूँ जहाँ भी आमर परसेंटेज वैल्यू अच्छी से वैल्यूर फ्रैक्शन वैल्यू को मन रखा, बिकज यही परसेंटेज क्लियर हवा द्वारा ही मीनस जदि फ्रैक्शन वैल्यू मन रहे क्वेश्चन फटाफट हो पार। एंड पूरा एरिथमेटिक रे प्रॉफिट लॉस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो कि टाइम एंड वर्क हो। ओके पूरा एरिथमेटिक रो परसेंटेज हूँ मेन पार्ट, जदि परसेंटेज उपर क्लैरिटी अच्छी अन्य सब गुड़ाक से परसेंटेज को नहीं ही हुए। ओके देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करूँ ए पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 3/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर क्लियर। मार बयसर पुअर बयस 3/5 गुणा 3/5 क्लियर। आफ्टर 8 इयर्स ही विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, 8 वर्ष पर मार बयसर से व्यक्ति जनक 2/3 गुणा हो माने 2/3 हो जाए। हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट ट्राई करूँ कौन हम इपटे रही आमर पर्सन देन मदर क्लियर। जदि मदर एज 100 हम ताले पुअर एज के हम 1 × 3/5 ना 3/5 क्लियर मीन्स यहाँ हूँ आमर 3x/5 देन ये आसला आमर एक्स 8 वर्ष पर मैंने भी आम 8 एड करवा भी आम 8 एड करवा। ओके 8 वर्ष पर ही विल बी 2/3 ऑफ हिज मदर इक्वल टू 2/3 देन ये सल्यूसन कले एक्स रैल्यू आसे माँ को एज आसीज। ओके दैट इज 3x/5 + 8 =
एटा हो गए 2x बै 3 प्लस आर दुगुणे 16 बै 3 क्लियर। देन ए जो x एंड x को कौन करिया गोटे पटे कर दबा 3x बै 5 माइनस 2x बै 3 इक्वल टू 16 बै 3 माइनस 8 ओके। देन ये सल्यूसन करवा 5 एंड 3 एलसीएम आसो 15 देन 5 3 की 15 3 3 की 9 माइनस 3 5 15 ओके 5 दुणे 10x इक्वल टू एलसीएम आसो 3 ठीक अच्छे 16 माइनस 24 सहीपट आसो माइनस एक्स बै 15 इक्वल टू यहाँ के 8 माइनस 8 बै 3 देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा ओके माइनस को माइनस कटिज दैट इज 3x इक्वल टू के 15 मल्टीप्लाई 8 एक्स इक्वल टू के 15 मल्टीप्लाई 8 8 डिवाइडेड बाय 3 देन 3 55 एक्स रैल्यू आसगला के 40 मीनस मदर प्रेजेंट एज के 40 हो रहा करेक्ट आंसर क्लियर बुझीगला। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करवा फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 एंड 7 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस ओके। तीन अंक विशिष्ट केउ बृहत्तम संख्या को 5 6 एवं 7 द्वारा ठीक अच्छे जदि आम विभाज्य करवा प्रत्येक क्षेत्र में 3 भाग शेष रहिबो ट्राई करंतु कौन हम तीन अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या ओके 9 9 9 यहाँ हूँ तीन अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या देन 5 6 and 7 द्वारा आमको भाग करियार अच्छे जिते बड़े मन रखु डिवाइडेड बाय जदि आसव डिवाइडेड बाय जदि आसव अलवेज कौन हम आम LCM माने लॉस आग जदि सिंपली डिवाइड आसव से आम एससीए बाहर करवा देन एलसीएम के 6 5 30 17 210 क्लियर। देन कौन करवा 210 द्वारा आम जिते बड़े 900 अनेस्पद को हरण करवा तो यहाँ के 4 जीव 4 0 0 4 1 4 4 2 8 माइनस करवा 9 9 4 गले 5 देन यहाँ हम आम के 159 ओके। देन कौन करवा 9 9 9 रु 159 माइनस करवा तो के 0 4 8 840 बट क्वेश्चन हो प्रत्येक क्षेत्र में 3 भाग शेष र तो सिंपली आम 3 एड करदेबा नंबर टी के 843 आसीज यार करेक्ट आंसर क्लियर बुझीगला ओके। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राए करूँ ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए सिंगल पोल इन 12 सेकेंड रे फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ट्राए करूँ कौन हम ओके स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम विनो प्रथम कथा हूँ ये जिते बड़े डिस्टेंस कांस्टेंट हो डिस्टेंस जिते बड़े आम कांस्टेंट हम ताल कौन करवा ओके स्पीड कौन हो बाय टी हो मैंने स्पीड रोल्टा आम कहीपर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम यहाँ हूँ गोटे फर्मूला ओके तो यही फर्मूलाटी आम यूज करके स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो पार क्लियर। देन ये कौन प्रश्न पचार देखिए ये प्रश्न पचार ट्रेन रनिंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर बट टाइम के 12 सेकेंड नौ ओके। देन आई थिंक ये यार किसी आवश्यकता ही नहीं सिंपली मल्टीप्लाई कले आंसर आसो ओके भी इंटू टी करदे देन यहाँ कौन हम यहाँ सेकेंड्रे अच्छे मीनस मीटर पर सेकेंड्रे आमको आने
ଏଇଟା କ'ଣ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଅଛି, 60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 1 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମର 1000 ମିଟର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 3600 ସେକେଣ୍ଡ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଜିରୋକୁ ଜିରୋ କଟିବ, 2 5 10 2 18, ତ 60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 5/18 ଦେନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 12, 2 9 18 2 6 12। ଓକେ, 3 3 6 3 2 ସରି 3 3 9 3 2 6 ଦେନ୍ 3 2 3 0 20 50 100 200 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 200 ମିଟର ଆସିଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍, କେତେ ହେବ? 200 ମିଟର ଆସିଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିଡ୍ ଇଜ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ହେବ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ସପ୍କିପର ସେଲ୍ସ 2 ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଏଟ୍ ₹600 ଇଚ୍, ମେକିଂ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ 20% ଅନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଅଫ 20% ଅନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମେକ୍ସ। ଓକେ, ଜଣେ ସପ୍କିପର ଯେତେବେଳେ 2 ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ବିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 600 ଟଙ୍କାରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ବି 600 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ 600 ଟଙ୍କାରେ, ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରେ? 20% ଲାଭ ପାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ 20% କ୍ଷତି ହୁଏ ତା'ର, ମାନେ ବିକିବା ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଓକେ, ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ମୋଟରେ କେତେ ହେବ? ଏଇଭଳି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଲ୍ କରିବା କଥାରେ କହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଲୱେଜ୍ ଲସ୍ ହେବ, ଏଣ୍ଡ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି x²/100, ମାନେ ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଯଦି ଏଇଟା ସେଲ୍ ବଦଳରେ ଯଦି କିଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଲସ୍ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇଟା ମାନେ ବିକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ୟୁଜ୍ ହେବ, ଏଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି କିଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଛି ଅଲୱେଜ୍ ନୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ନୋ ଲସ୍ ହେବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ ଲସ୍ର ଶତକଡ଼ା ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ସମାନ ରହିବ ତାହେଲେ x²/y ପକାଇଦେବା ଏଇଠି, 20 × 20 / 100। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଜିରୋକୁ 2 0 କଟିବ, ଆସିଯିବ ଆମର 4% ଅଲୱେଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ଲସ୍ ହିଁ ହେବ। କ୍ଲିଅର ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦ ସେଲେରି ଅଫ XYZ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 5:3:1। ଦ ସେଲେରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଟୁଗେଦର 7200 ବାଇ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସେଲେରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମୋର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଜାଡ୍। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ଓକେ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦେନ୍ ଜାଡ୍ 5:3:1। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇର ଟୁଗେଦର, ମିନ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହେଉଛି 7200। ଆମେ ନେଇପାରିବା 5 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି 7200, ତ 8 ୟୁନିଟ୍ କେତେ ହେବ? 7200। 1 ୟୁନିଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? 7200 / 8, ତ 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଗଲା ଆମର 900। ଆମେ କହିପାରିବା ଜାଡ଼ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 900। ଦେନ୍ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 900। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4500। ଦେନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ହେବ? ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 900, 2700। କ୍ଲିଅର ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏକ୍ସ ଜାଡ଼ ଠାରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ? 4500 -900 ଯଦି କରିବା କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 0 0, ଏପଟେ ଆସିଲେ କେତେ? 15, ନ ଗଲେ 6। ଓକେ, 3600 ଅଧିକ, ବଟ୍ କାଠାରୁ ଜାଡ଼ ଠାରୁ? ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 900 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 100। ଓକେ, ତ ଜିରୋକୁ ଜିରୋ କଟିଲା, 9 4 36, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 400 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଆସିଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
क्लियर बुझीगला बहुत इजी क्वेश्चन थिला देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राए करूँ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 7200 आफ्टर 6 ईयर एंड 9900 आफ्टर 9 ईयर सिंपली 6 वर्ष पर गोटे मूलधन 7200 ओके समूलधन हुए माने अमाउंट रे हुए देन 9 वर्ष रे सेटा कौन हुए माने 9 वर्ष पर 9900 टंका हुए ठीक अछि एटा कौन अमाउंट एटा भी होची अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक अछि सुध हार समान अछि एंड सेटा पुनी कौन सरल सुध रे सिंपल इंटरेस्ट रे फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट केते रेट ऑफ इंटरेस्ट एठी हमें बाहर करिवा केमिति करिवा सिंपली 6 वर्ष रु जते बेले 9 वर्ष हबा पई समय केते लागिला 3 ईयर रो समय लागिला मींस 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष तार्थ कौन 6 वर्ष रु 9 वर्ष भीतर जे समयटा अछि 7200 टंकाटा जते बेले 9900 टंका हला एटा काहे कि हला बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ओके सुध जगु ही एटा कौन हिछि धीरे 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 बढ़ी 9900 टंका रहिछि ताहाले ए जो 3 वर्ष रो सुधटा केते गैपटा में माइनस करी जानि परिबा 9900 जेतेला आमे 7200 टंका माइनस करिबा केते आसीबो 00 ओके एटा आसीबो 7 देन एटा आसीबो 2700 टंका डिफरेंस ता होची कोन 2700 टंकाटा कोन आसीला हमर सिंपल इंटरेस्ट अच्छा जदी 3 ईयर रे जदी 2700 हबो ताहाले प्रश्न हो जे 3 ईयर रे 2700 तो 1 ईयर रे केते हबो 2700 डिवाइडेड बाय 3 क्लियर दैट इज 1 ईयर रे 900 होचे सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर रे जदी 900 सिंपल इंटरेस्ट हबो ताले 6 ईयर रे केते हबो सिंपली 900 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 5000 ठीक अछि 6 9 54 5400 एटा कोन 6 ईयर रो सिंपल इंटरेस्ट क्लियर देन 7200 होची 6 वर्ष रो अमाउंट माने मूलधन एवं 6 वर्ष रो सुध होची सिंपल इंटरेस्ट होची दैट इज 5400 क्लियर 5400 तले माइनस करिया कोन हबो 00 ओके 12 4 गले 8 देन एपटे 6 रु 5 गले 1800 एटा कोन आसीला प्रिंसिपल एटा होची हमरो सिंपल इंटरेस्ट क्लियर एंड समय कोन 6 ईयर एटा होची टाइम 6 ईयर देन हमगु आर बाहर करि परिबा कि नो सिंपली कोन हमरो सिंपल इंटरेस्ट रो फार्मूला होची पी मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय 100 ओके तो सिंपल इंटरेस्ट केते 5400 इक्वल टू पी केते 1800 मल्टीप्लाई टाइम केते टाइम होचे हमर 6 ईयर ओके देन आर बाहर करिबा डिवाइडेड बाय 100 ओके हमर एठी कोन हबो 0 को 0 कटिबो 18 3 54 300 देन 6 कौन हम 35 600 मीन्स आर आसीगला हमर 50% ओके बुझीगला ये प्रश्न आसे करा कि असुविधा नहीं 50% हो रहा करेक्ट आंसर क्लियर देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राए करूँ इफ 5 to the power x माइनस वाई इक्वाल टू 125 एंड 2 to 2 एक्स प्लस वाई इक्वाल टू 128 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन हम पांच घात हो कौन सिंपली एक्स माइनस वाई मीन्स यहीपटे जो 125 अच्छे यू लिखिपर पांच घात तीन मीन्स ये कौन होमर एक्स माइनस वाई रैल्यू हो 3 देन यहीपटे 2 रो घात होची x प्लस वाई इक्वल टू 128 क्लियर
देन दुई रो घात एक्स प्लस वाई इक्वाल टू ये जो 128 को केते लिखिपर दुई रो घात 7 लिखिपर क्लियर मीन्स एक्स प्लस वाई रैल्यू के 7 आसीगला देन प्रश्न हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाहर करवा यहाँ कौन यार फर्मूला हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई रैल्यू के 7 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई रैल्यू हूँ 3 दैट इज 21 ही जो यार करेक्ट आंसर क्लियर बुझीगला ओके देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करूँ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए ए रो वैल्यू बाहर करवा के व्हेन क्यूब रूट अफ 5 टू दि पावर ए इक्वल टू 25 ट्राई करूँ क्यूब रूट अफ 5 टू दि पावर ए इक्वल टू 25 तो यहाँ को आम लिखिपर 5 रो घात ए मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 25 देन यटा लिखिपर 5 रो घात ए बाई 3 इक्वल टू 25 देन 5 रो घात ए बाई 3 इक्वल टू ये जो 25 को लिखिपर 5 रो पावर 2 मीन्स ए बाई 3 इक्वल टू 2 तो ए इक्वल टू कौन हो 6 आसीजो यार करेक्ट आंसर क्लियर बुझीगला ओके देन जी नेक्स्ट ट्राए करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ए पर्सन टेक्स 30 मिनट्स मोर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय डिक्रीजिंग हिज स्पीड 40% व्हाट इज द टाइम टेकन ओके टाइम पचार टू कवर द डिस्टेंस एट हिज ओरिजिनल स्पीड ओके जड़े व्यक्ति जेतेबेले तांको स्पीड को 40 शतकटा कम करदे ताहले से डिस्टेंस कवर करिवा पई 30 मिनट अधिका समय नेले क्लियर ताहले ओरिजिनल टाइम केते हबो सेम डिस्टेंस को कवर करिवा पई ओरिजिनल टाइम केते हबो बाहर करिवा मु सेतेबेले कहिथिली स्पीड होची कोन हमरो डिस्टेंस बाय टाइम क्लियर जदि डिस्टेंस कांस्टेंट ताले कौन है जीवो स्पीड है जीवो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम माने स्पीड बढ़िले टाइम कमीबो स्पीड कमीले टाइम बढ़िबो माने स्पीड रो उल्टा तो इट स्पीड होची 40% सिंपली 40% रो अर्थ कौन 2/5 क्लियर 40% रो अर्थ होची 2/5 40/100 जीरो को जीरो कटिबो दुई दुणे चारि दुई पंचा दस 2/5 देन मुझे कही 2/5 आसला ये कौन कही डिक्रीज कही माने 5 थिला दैट इज 2 डिक्रीज होती दैट इज 3 ये हूँ कौन आम स्पीड ताहले स्पीड रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम कौन हो 3 थिला 5 हो ना ये 3 एंड 5 भितर डिफरेन्स के 2 हूँ 15 मिनट मोर सरी 30 मिनट मोर आसीगला ताहले 1 रो वैल्यू केते हबो 15 हबो देन से पचार छी कोन ओरिजिनल टाइम केते एटा होजे ओरिजिनल टाइम एटा होजे न्यू टाइम तो एठी हमें कोन करिया मल्टीप्लाई 15 करिवा दैट इज 45 मिनट हिज बा हमरो करेक्ट आंसर क्लियर बुझियला ओके तो आज हमें किछे क्वेश्चन देखिले हमें नेक्स्ट वीडियो रे पुनी थरे आउ किछे क्वेश्चन हमें ट्राई करिवा आई होप ए वीडियो टी आपन मान पई बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो